सो ये स्कूटर की मेजर ड्रॉबैक जो है, मतलब लगेज, एज फार एज लगेज इज कंसर्न, सो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो चुका है बैग, ऐसे राउंड लेके कर लेंगे। सो एक स्ट्रैप मैंने लगा दिया, ये सीट के नीचे से उसको लग गया, तो बैग जो है ऐसे कुछ फिट हो जाता है, मतलब Hey guys, welcome back to the channel with a new video. So, आज जो है हम लोग बात करेंगे कि Aerox पे लगेज कैसे माउंट कर सकते हैं, मतलब टूरिंग सेटअप क्या होगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में राइड कर रहे हैं। आज जो है हम लोग सारे के सारे बाइक्स जो है लोड कर रहे हैं ट्रक पे, और फिर वहाँ से जो है ट्रक लेके जाएगा गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से हमारा राइड जो है शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे पीछे जो है Aerox है, और इसमें सारे के सारे लगेज जो है माउंटेड हो चुका है, अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब जो मैं आपको सारे के सारे लगेज दिखाऊंगा, इसमें अभी जो है आपको दो लगेज दिख रहा है, एक टैंक बैग दिख रहा है एंड एक पीछे टेल बैग, बट इसमें और एक बैग भी है जो कि सीट के नीचे गया है, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट 20 liters। तो सारे के सारे लगेज की डिटेल्स दे रहा हूँ इस वीडियो पे, सो स्टे ट्यून, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और जितने सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, सारे के सारे जो लिंक है वो शेयर कर लूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इन केस इफ यू वांटेड टू बाय देन यू कैन डायरेक्टली बाय। सो दोस्तों सीट की, अंडर सीट की अगर स्टोरेज की अगर बात करोगे तो ऐसा बैग्स है, तो ये बैग जो है आपको डिकाथलन में मिल जाता है, करीब 200 या 300 रुपए के अंदर ही आता है। तो इसमें जो है आपकी आप करीब करीब आई थिंक अबाउट 20 liters की जो है आप सामान इसके इसमें जो है मतलब लगा सकते हो। तो ऐसे इस बैग को मैंने भर दिया है, थोड़ा खाली है, तो इसको जो लेके मैं डायरेक्टली बूट के अंदर रखूंगा। मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं और बूट में एग्जैक्टली फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल के टाइम पे ये हो सकता है कि मैं इसमें से कुछ सामान निकाल दूंगा और इसके ऊपर जो है लैपटॉप रख दूंगा, तो ये जो है कुशन जैसा भी काम किया, लैपटॉप जो सीट के अंदर रहा तो थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रहेगा, तो उस हिसाब से अच्छा है। एंड अगेन हाँ, वेदर कंडीशंस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक तो ये भी प्रोटेक्शन मिल गया, लैपटॉप के कवर भी है एंड देन टॉप ऑफ इट सीट भी रहेगा। इसको हम लोग लगा देंगे अंडर सीट के अंदर। तो Aerox की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि सीट के नीचे जो है बहुत सारा स्पेस है, तो ये बैग एग्जैक्टली आराम से फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द सेकेंड लगेज सेटअप जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो ये है। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कार्बोनाडो, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट मॉड पैक। तो ये 20 liters वाला सेटअप है, इसके एक्चुअली 30 liters भी आता है, बट स्कूटर के लिए मुझे लगा कि यह 20 liters ठीक है। सो ये जाएगा मेरे सीट के ऊपर, इसको टाई करना भी बहुत सिंपल है। इसमें ये सब क्या है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं, चलो ये स्ट्रैप्स है, ये स्ट्रैप्स जो है सीट के ऊपर लग जाएगा। अब मैं लेके आपको दिखाऊँ कि सीट के ऊपर कैसे लगेगा। सो इसको मैं रख दूंगा सीट के ऊपर एंड देन वन मोर बैग आई एम कैरिंग इज दिस वन। सो इसमें मेरा लैपटॉप आ जाएगा। मोस्टली क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, सो अभी बिकॉज वी आर गोइंग टू लोड अवर लगेज टू दी ट्रक, सो ट्रक में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरा एक्चुअली अभी राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट है। तो जैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे गुवाहाटी में, ये राइडिंग जैकेट और पैंट जो है इससे निकल जाएगा एंड जो लगेज मेरा अभी सीट के अंदर जो बैग आपको दिखाया जो है, वो सारे के सारे सामान इसमें आ जाएगा। मतलब सारे के सारे शायद, हाँ मतलब 20 liters है तो आ जाना चाहिए, तो सारे के सारे सामान यहाँ आ जाएगा। एंड ये बैग जो है इसमें मैं लैपटॉप रखूंगा एंड देन कुछ और चीज़ें रख दूंगा, रख के इसको जो है मैं सीट के नीचे रख दूंगा। सो दिस इज माई सेटअप। सो बेसिकली अगर आप देखोगे लगेज के हिसाब से मेरा 20 liters ही कैरी हो रहा है, जिसमें मेरा ड्रेस हो गया, विंटर वेयर हो गया, ये सब कुछ है एंड बाकी सब जो है मतलब डिजिटल चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा मैं कैरी कर रहा हूँ अपना ये जो हमर की जंप स्टार्टर किट, ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ बिकॉज अगर आप कोल्ड प्लेसेस के जाते हो तो चांसेस ये है, बिकॉज और इतने सारे गाड़ी है ना, मतलब 7-6 गाड़ियाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी का भी बैटरी वैटरी डाउन हो जाए, तो उस केस पे ये अगर आप देखोगे किट, तो यहाँ पे एक पावर बैंक जैसे एक बैटरी है एंड देन एक जंप स्टार्टर किट है। तो इसमें आप जो है मतलब इवन बड़े बड़े कार्स भी स्टार्ट कर लोगे, मतलब XUV फॉर्चुनर हो गया, 3 liters तक की कार भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा डिवाइस है लेकिन बहुत अच्छा काम आता है, तो इसको मैं कैरी करता हूँ। एंड देन एक पंक्चर रिपेयर किट, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने लद्दाख के टाइम पे लिया था लेकिन मैं भूल गया था इसको लेने के लिए, लकीली मतलब जो कार में गए थे लद्दाख, लकीली हमारा कोई पंक्चर नहीं हुआ, मतलब कार में एटलीस्ट एट लद्दाख पॉइंट में कोई नहीं हुआ, तो ये हुआ, तो ये भी ले लूँगा। और मेरे पास पंप, एक्चुअली पंप तो ऑलमोस्ट सब कैरी कर रहे हैं, सबके पास है, तो फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो MI की जो बैटरी वाला पंप है वो कैरी कर लूँगा। अब चलते हैं स्कूटर के ऊपर, अब दिखाऊंगा कैसे लोड करते हैं लगेज। ये बैग जो है मैं अभी गाड़ी के साथ नहीं भेज रहा हूँ, इसको मैं कैरी करूंगा एयरपोर्ट जब जाऊंगा, तो मेरे पास एक ही लगेज रहेगा तो इसको लेके चले जाऊंगा। बाकी मैं हेलमेट जो है लेके जाऊंगा, आई थिंक हेलमेट मैं ट्रक में ही भेज दूंगा बिकॉज हमारा ट्रक जा रहा है, तो उसमें भेज देंगे। और ये मैं यूज़ करता हूँ भाईटरा का, ये क्या बोलते हैं इसको, हेलमेट बैग बोलते हैं, तो इसमें भी कुशन वुशन है, तो मेरी लगेज एकदम सेट है। इसके अंदर अगर आपके हेलमेट रहते तो स्क्रैच नहीं होगा, ट्रैवल के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा कुशन के साथ ही आता है, तो ये भी मैं लेके जाने वाला हूँ। सो दैट्स द प्लान, आप चलते हैं स्कूटर के पास। और एक चीज़ है, बस मुझे इंस्टॉल करके देखना है कि हो पाएगा कि नहीं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। मेरा घर अभी पूरा मैश होके पड़ा है,
क्योंकि हमेशा ट्रैवल से पहले मैं सामान जो है एक जगह लगाता हूँ उसके बाद करता हूँ। ये एक टैंक बैग है अगेन फ्रॉम कार्बोनाटो। कार्बोनाटो की प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये है कि यार उसकी उनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी रहती है। देखो ये कितना बढ़िया सा डिज़ाइन हुआ है, स्मार्ट लुकिंग है, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो टैंक बैग है इसको मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना जो स्कूटर है स्कूटर के ऊपर जो फ्यूल टैंक है जो इसको बोलते हैं डेक, तो उसके ऊपर लगाने के लिए मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसको कैसे बांधें। कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें जो ये जो स्ट्रैप्स है इसको अगर मैं सीट पे बांध दूँ तो ऐसा कुछ करके देखते हैं। इसको लेके जाएंगे पहले ये बैठेगा कि नहीं डाउटफुल है क्योंकि इतना लेंथ हमको नहीं मिलता है वहाँ पे, तो कोशिश करेंगे। एंड देन और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज समथिंग आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन। सो दिस इज अ फ्यूल ब्लैडर। सो बेसिकली इसमें जो है 3 लीटर है, इसका एक 4 लीटर वर्जन भी आ रहा है। ये मैं एक्चुअली टेस्ट करने वाला हूँ। अभी देखो इस पर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, एंड देन इस बार ट्रिप पे मैं टेस्ट करूँगा। अगर ये अच्छा काम आया तो फिर प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, अगर नहीं आया तो जो भी खर्चा किए हैं बस राम राम बोलना है। तो इसमें ये है कि इसमें 3 लीटर की पेट्रोल हम लोग कैरी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ये ट्रिप पर टेस्ट करेंगे। ट्रिप पर वैसे भी पेट्रोल कम क्वांटिटी का है, मतलब 5 लीटर का है, तो इसमें 3 लीटर एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। इसके एडवांटेज ये है कि ये बैग जैसा है एंड इसमें से हम लोग ये डालें डी रिंग्स डालें, तो इसको जो है मैं जैसे ये बैग है तो ये बैग के ऊपर मैं टाई कर सकता हूँ ऐसे। तो इसको बंजी या कोई भी स्ट्रैप्स है आप जो ऐसे, इसमें भी देखो लैचेट्स है, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैप्स है, या फिर यहाँ भी है छोटे छोटे, तो इसके साथ हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये ना ऐसे बैठ जाएगा आपके मतलब गाड़ी के ऊपर जो लगेज के ऊपर, या फिर लगेज के साइड में ऐसे भी आप लगा सकते हो, दोनों साइड पे दो भी लगा सकते हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें हमें ज़्यादातर पैसा क्यों खर्चा हुआ मैं बताता हूँ। कि इसके अंदर जो 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 मटेरियल हम लोग यूज़ किए हैं वो केमिकल टेस्ट किया गया है, बहुत सारा रिसर्च के बाद किए हैं। देर आर सिमिलर प्रोडक्ट्स मतलब जो आता है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम किए इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से किए हैं। इसके अंदर भी एक लेयर दिया गया है जिससे हीट बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएगा, तो बहुत कुछ हुआ है। तो लेट्स सी, अगर काम कर गया तो अच्छी है, नहीं तो एक और फ्लॉप प्रोडक्ट के साथ आएंगे, वो है बात। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो वो बैग जो है ऐसे कुछ फिट हो जाता है, मतलब बूट के अंदर। एक्चुअली इसकी डिक्की में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इसलिए फिट हो जाता है। और ये एक्चुअली मैं ग्लोव्स डालना भूल गया था मतलब इसमें, तो अभी यहाँ पे ऐसे ही सेट कर दिया हूँ। ये बाद में, ये तो राइड के टाइम पे वैसे भी यूज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसी है सिस्टम तो यही है कि इसके अंदर ये बैग आ गया जो बैग आपको मैंने दिखाया, एंड इसके ऊपर जो है अब लोड करेंगे दूसरा वाला बैग, ठीक है। और ये बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा देखो आपको ऐसे साइड्स एडजस्ट में ऐसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं बाहर आया है तो, ठीक है। और ये हो गया बंद, ठीक है। सो ये है सीन। अब यहाँ की सीन बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली डालने के लिए टैंक बैग, तो टैंक बैग ऑब्वियसली ये तो मेटल नहीं है, ये मतलब प्लास्टिक है, तो मैग्नेट वाला नहीं लगेगा। और इसमें ज़्यादातर टैंक बैग जो आता है वो फिट नहीं होगा, तो इसको बस बिठा दूंगा ऐसे, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ये जो इसका जो स्ट्रैप था इसको ऐसे कुछ लगाया हूँ, ये टैंक बैग के साथ आता था, इसको बस डबल सिक्योर करने के लिए। और ये पीछे की तरफ कुछ इस तरह से इसको टाई किया है, थोड़ा सा लूज है, मैं अभी उसको टाइट कर दूंगा। फिर यहाँ पे वो टैंक बैग को बिठाऊंगा और इसको ये क्लिप लगा देने से वो टैंक बैग गिरेगा ना। एक्चुअली टैंक बैग बहुत स्नग क्या, बहुत टाइट फिट हो रहा है, तो ये लगाने के बाद मतलब सेफ्टी भी हो जाएगा। ये बैग अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर बहुत टाइट होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे मैं पहले इसको ऐसे सामने की तरफ मैं लगाता हूँ एंड देन इसको पुश कर देता हूँ थोड़ा नीचे ऐसे, तो थोड़ी सी टाइट होकर रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा जुगाड़ तो करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट फिट के लिए कोई एक्सेसरी आया नहीं अभी तक, लेकिन बाहर बहुत सारा सामान मिलता है, वो सब धीरे धीरे आएगा। अभी के लिए ऐसे ही इसको यूज़ करेंगे और ये जो स्ट्रैप है वो कनेक्ट कर देंगे ताकि ये बैग गिरे ना। अभी पूरा टाइट फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से ईजिली हम लोग सामान एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ चाहिए तो ऐसा जिप खोल के ये एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब बेंड हुआ है, लेकिन चलेगा, काम तो चल जाएगा, वो है बात। बाकी जो बड़ा वाला बैग है उसकी स्ट्रैप्स मैं कुछ इस तरह से ऐसे रख देता हूँ और फिर सीट डाल दूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कैसे कनेक्ट होता है। सो देखो ऐसे कुछ एडजस्ट करके रखा और इसके बाद जो है सीट को प्रेस कर देंगे, ठीक है। 4 स्ट्रैप्स हैं। सो ये देखो मैंने सीट को जो है लॉक कर दिया है, अब ये स्ट्रैप्स ऐसे अटैच्ड हैं, अब इस पर जो है हम लोग बस बैग को माउंट करेंगे। सो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो चुका है बैग। थोड़ी सी इसको क्या करना है, ये जो स्ट्रैप मैंने यहाँ लगाया है इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो लगेज जो है आगे ना मूव हो। और दूसरा मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, एक बंजी कॉर्ड क्या करूँगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे लगा के ऐसे नीचे तक यहाँ पे
ऐसा राउंड लेके कर लेंगे ताकि ये लगेज को हमेशा थोड़ा सा पीछे खींचता रहे। ऐसा लगा है विराज भाई, ठीक दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा खाली एक गलती क्या पता, ये जो स्ट्रैप है ना इसको और थोड़ा पीछे देना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा लगेज आगे मूव हो रहा है। और मैं क्या सोच रहा हूँ पता, एक छोटा सा बंजी यहाँ यहाँ लगा के ये पीछे से एक राउंड ले लूँगा ताकि लगेज जो है पीछे की तरफ थोड़ा धक्का लगाए, नहीं तो क्या होगा ना ये आगे आगे शिफ्ट होगा। देखो शिफ्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये है, हाँ वो भी है, हाँ लेकिन वो इरिटेटिंग है यार, बैक लगता रहेगा ब्रेक लगाते ही, तो नहीं थोड़ा टाइट करने से वो वैसे भी रह जाएगा। और ये देखो ये टैंक बैग ना यहाँ पे ऐसे स्लॉट हो गया लेकिन इसमें क्या पता है ये प्लास्टिक है ना, इसमें मैग्नेट नहीं लग सकता है और ये स्ट्रैप को लगा नहीं सकता हूँ। सो एक स्ट्रैप मैंने लगा दिया ये सीट के नीचे से, उसको लग गया। इसका मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, यहाँ पे कुछ छोटा सा मेटल पीस है ना जो अपना जैसे प्लेट नंबर प्लेट का मटेरियल कुछ हो गया लोहे वाला, वो ला के इसको डबल टेप से यहाँ अगर चिपका दूँ तो ये मैग्नेट यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे कहीं, नहीं तो भी देखो ये बहुत टाइट है एक्चुअली, गिरेगा ना मेरे पैर भी है और एक तो लगा है तो झूलेगा मैक्स टू मैक्स क्या होगा, हाँ लेकिन ठीक है ना, कन्वीनियंट भी है और सही जगह बैठ भी गए हो बैग लग रहा है जैसे इसी के लिए बनाया। देखो ये कर्व को देखो और ये बैग की कर्व देखो है ना मस्त। नमस्ते आंटी, कैसे हैं? सो हम लोगों के सारे बाइक जो फुल रेडी हो गया है। विराज भाई की गाड़ी पे जो है इन्होंने हीटेड सीट भी इंस्टॉल किया है, सो ये वाला हीटेड सीट है एंड हीटेड ग्रिप भी इंस्टॉल हो गया। एंड देन वहाँ पे उत्कर्ष की बाइक ऑलरेडी पार्क्ड है, सो दी थिंग इज दैट कि आज इवनिंग को सारे के सारे जो बाइक्स लेके जाना है और जाके फिर ट्रक पे लोड करना है। बट विराज भाई मुझे लग रहा है ये लगेज ऐसा माउंट होके लोड होगा कि निकालना, क्योंकि ये ऐसे माउंट होने से तो ज़्यादा जगह लेगा वो, अभी वही देखना पड़ेगा ना, लेट्स गो देयर एंड हाँ राइट हाँ इनका भी शॉर्टेड हो गया ना, पर लगेज बहुत बढ़िया से इंस्टॉल्ड है, सही है। और विराज भाई का तो दो बॉक्स जा रहा है एंड टॉप ऑफ इट आई थिंक वन, आप एक टेल बैग भी ले रहे हो ना, ओके का वाला ले फ्लाइट में ले रहा, हाँ वो चलो वो सही है, लैपटॉप उस पे ले रहे ले ले आईपैड, लैपटॉप नहीं कैरी कर रहा हूं, आईपैड कैरी कर रहा। अच्छा आपका हो जाएगा आईपैड पे सब कुछ? हाँ, हाँ, मेरे ऑफिस का सब काम हो जाएगा। चलो सही है फिर, और क्या सही है। तो ऐसे कुछ ट्रैवल हम लोगों का चल रहा है। सो ये स्कूटर की मेजर ड्रॉबैक जो है मतलब लगेज एज फार एज लगेज इज कंसर्न, सो इसमें जो है ना यहाँ पे ग्रैब रेल नहीं है। अगर यहाँ पे ग्रैब रेल होता मतलब जो मेटल वाला पार्ट, तो फिर इजी हो जाता है, ऐसे कोई भी लगेज आप माउंट कर सकते थे। अभी इसमें नहीं है, इसमें ये है, ये जैसे छोटा सा ग्रैब रेल यहाँ पे प्लास्टिक वाला है मतलब अंदर ऐसे हुक्ड हुआ है। और दूसरी चीज़ है कोई माउंटिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है अभी मेरे पास, एक्चुअली कस्टमाइजेशन के लिए टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव थॉट कि यहाँ से कुछ एक माउंट लेते मतलब कुछ क्लैंप एक बना के टू टाई द लगेज। सो अब मैंने जो है बहुत सिंपल कर दिया इसको, तो वही है बात कि यहाँ पे जो है अगर थोड़ा टाइम होता तो यहाँ से कुछ क्लैंप लेके फिर बना सकते थे, लेकिन अभी वो सब सीन नहीं हो पाया। जैसे मैं आपको बता रहा था तो ये जो है फ्रॉम ए ब्रांड कॉल्ड कार्बोनाडो है,